नमस्कार दोस्तों, दरभंगा से न फ्लाइट शुरू हुई न ही एम्स का शिलान्यास हुआ, लेकिन सांसद गोपाल जी ठाकुर अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट और एम्स का काम अधूरा है, लेकिन सांसद ने नंबर पूरा ले लिया है, खुद ही ले लिया है। और आज ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा किस तरह से उन्होंने जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और मीडिया में इसको सर्कुलेट किया और मकर संक्रांति पर मीडिया को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन हकीकत यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट का काम अधूरा है और इस पर डेडलाइन बढ़ गई है। मार्च का था, अब जून चला गया है। एम्स का शिलान्यास होगा, कब होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन ये नंबर पूरा लेने के खेल में सांसद महोदय आज बहुत आगे निकल रहे हैं। और क्या है खबर ये जान लीजिए। खबर ये है कि उन्होंने कह दिया है कि जून में जिलावासियों को मिलेगा दोहरा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, दोहरा तोहफा का मतलब ये है कि एयरपोर्ट और एम्स का जो है तोहफा जून में मिल जाएगा, ये उनके अनुसार ये कहना है। और इस हवाई सफ़र जो है यहाँ से जून माह में शुरू हो जाएगा और एम्स का निर्माण इस समय ही आरंभ हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास कर देंगे एम्स का और हवाई सेवा का उद्घाटन भी कर देंगे। ये उन्होंने जो है एक नया शगुफा छोड़ दिया है। अब ये समय किसी को पता नहीं है, होगा लेकिन समय किसी को पता नहीं है, लेकिन इन्होंने समय दे दिया है कि प्रधानमंत्री के हाथों होगा एम्स का शिलान्यास और एयरपोर्ट का शुभारंभ। तो ये भी एक नया उन्होंने दे दिया है और ये मकर संक्रांति पर उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और उसमें ये कह दिया कि हवाई अड्डे का निर्माण अंतिम चरण में है, बारिश की वजह से थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन बारिश की वजह से विलंब थोड़ा हुआ, अब ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है, अभी कोई मानसून का मौसम नहीं, लेकिन अभी क्यों विलंब हो रहा है, ये सांसद महोदय ने इसका जवाब नहीं दिया। और ये वही सांसद हैं जिन्होंने मार्च में डेडलाइन दी थी, दरभंगा में मार्च तक शुरू होगी हवाई सेवा, ये उन्होंने अखबार में छपवा दी थी खबर। और ये उड्डयन मंत्री से मिले थे और उन्होंने कह दिया था कि मार्च में हर हाल में शुरू हो जाएगा और उन्होंने हरदीप सिंह पुरी को एक ज्ञापन दे करके इसको जो है रखा था और उस वक्त कहा था कि हर हाल में मार्च से हवाई सेवा शुरू करने की उन्होंने मांग की थी और मार्च का इन्होंने वक्त भी दे दिया था। ये सांसद महोदय वहाँ दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने भी गए, लेकिन हकीकत क्या है, काम अधूरा है और ये जून में भी पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और स्थिति यही है कि ना यहाँ फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हुआ है, ना ही यहाँ पर जो है वो फिनिशिंग का काम कंप्लीट हुआ है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सांसद महोदय गए थे, निरीक्षण भी काम नहीं आया, निरीक्षण भी किया था इन्होंने, अधिकारियों को उनसे बातचीत की थी और काम को देखा था, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये स्थिति है सांसद महोदय की और उनके वादों की। और वो कह रहे हैं कि एम्स और एयरपोर्ट के बाद, अभी बना ही नहीं है एम्स और एयरपोर्ट, और उसके बाद स्मार्ट सिटी का ये ख्वाब दिखा रहे हैं दरभंगा के लिए कि स्मार्ट सिटी के लिए वो काम करेंगे। और ये इन्होंने देखिए, अब 200 दिनों का इन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, उस 200 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने क्या किया है, एम्स के बारे में ये कह रहे हैं कि उत्तर बिहार के 22 जिलों को और पड़ोसी देश नेपाल के 12 जिलों को इससे फायदा होगा और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अभी ये काम उद्घाटन हुआ ही नहीं, शिलान्यास ही नहीं हुआ है, तो अब ये मिलेंगी कब मिलेंगी, 4 साल 5 साल बाद मिलेंगी। दूसरा इन्होंने ये कह रहे हैं कि दरभंगा शहर में जाम की समस्या से निजात हेतु 7 आरओबी का निर्माण पुल निर्माण द्वारा और आरओबी निर्माण जो है बीएसआरडीसी एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा। ये कब से सुनते आ रहे हैं, बनाया जाएगा, कब बनेगा ये। उसके बाद ये लिखते हैं, तीसरा इन्होंने लिखा है लहरिया सराय स्टेशन फुट ओवर ब्रिज शंटिंग और नेट प्लेटफॉर्म विस्तारीकरण का तीव्र गति से किया जाएगा। तो सब किया जाएगा ही, तो नंबर किस बात का ले रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड किस बात का है, जब ये किया जाएगा हुआ तो एक भी नहीं। तो ऐसे में सवाल यही है कि दरभंगा एयरपोर्ट और एम्स का काम अधूरा है और सांसद जी नंबर पूरा खुद ही ले रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये किस आधार पर नंबर ले रहे हैं। और जून में ये कह रहे हैं कि जून में उद्घाटन होगा एयरपोर्ट का और शिलान्यास हो जाएगा, उस पर भी सवाल है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट कार्ड का क्या किया जाए, ये आप ही समझिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा डॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद।